ठीक है जी, स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही है एंड नाउ आई विल स्टार्ट हियर। ओके, ठीक है जी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, मैंने जैसे आपको पहले बताया, ये मशीन लर्निंग के इर्द गिर्द घूमेगा, लेकिन इसमें हम मेजर जो एल्गोरिथम है वो देखने वाले हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होती है। बट बिफोर दैट मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मशीन लर्निंग का थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि होती क्या और हमने क्यों स्टार्ट की थी, पाइथन के अंदर कैसे कर रहे थे, उसकी मेजर टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मशीन लर्निंग ये होती है कि आपके पास डेटा है, डेटा के बेस पे आप एक मॉडल ट्रेन करते हैं। मॉडल क्या होता है कि आप डेटा के ट्रेंड्स और डेटा के पैटर्न्स की बेस पे इक्वेशन ड्राइव करते हैं, इक्वेशन, ठीक है, पैटर्न्स की बेस पे, और उस इक्वेशन को इंप्लीमेंट करके किसी चीज को प्रेडिक्ट करके, मतलब एक अननोन को प्रेडिक्ट करते हैं, अननोन को प्रेडिक्ट करके आप डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, तो मशीन लर्निंग ये होती है। मशीन लर्निंग की दो मेजर टाइप्स मैंने आपको बताई थी, बाकी उसके अलावा भी हैं। दो मेजर टाइप कौन कौन सी थी जी, आपको याद होगा? अगर आपको याद है तो मुझे चैट में बता सकते हैं कि कौन कौन सी दो मेजर टाइप्स थी। एक थी रिग्रेशन, दूसरी थी क्लासिफिकेशन। अगर हम रिग्रेशन की बात करें तो रिग्रेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती थी, आपको याद होगा कि जब हमने किसी न्यूमेरिक वैल्यू को प्रेडिक्ट करना होता है, सो पहली रिग्रेशन थी, दूसरी थी क्लासिफिकेशन। तो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में मेन फर्क यही है कि जब आपने एक न्यूमेरिक वैल्यू को प्रेडिक्ट करना हो तो ये होती है रिग्रेशन की प्रॉब्लम, अगर किसी कैटेगोरिकल वैल्यू को प्रेडिक्ट करना हो तो आपकी वो होती है क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम, या क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम उसमें आपने लगाना होता है। तो रिग्रेशन के जो मैट्रिक थे कि हमारा मॉडल किस तरीके से, कितना क्वालिटी वाला है, हम उसको भी देखते हैं इसमें, और क्लासिफिकेशन के जो पांच मैट्रिक थे उनको भी देखते हैं। हाँ जी, मैट्रिक्स याद है आपको? अगर याद है तो मुझे चैट में बताएंगे कि कौन कौन से मैट्रिक्स थे। ये वो वाला मैट्रिक नहीं है कि आपके 572 नंबर आए हैं या 674 नंबर आए हैं, वो मैट्रिक और होता है, ये मैट्रिक है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास मीन स्क्वेयर्ड एरर थी, रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर थी, आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर थी, आर स्क्वेयर भी आ जाता है इसमें, और इसके बाद पांचवा क्या था जनाब? मापी। ये क्या होता है? ये फुटबॉल का प्लेयर नहीं है, ये एम्बप्पे जिसे हम बोलते हैं, मप्पी उसे बोलते हैं बेसिकली। तो ये मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर होती है। ठीक है, ये पांच इसके थे, और हम फिर आते हैं यहाँ पे कैटेगोरिकल वेरिएबल के ऊपर। जब हम क्लासिफिकेशन की कोई प्रॉब्लम देखते हैं, सबसे पहला हमारा मैट्रिक्स था, मैट्रिक था F1 स्कोर आ जाता है, बल्कि F1 स्कोर से भी पहले, ये गलत स्टार्ट कर लिया हमने, सबसे पहले आपका एक्यूरेसी स्कोर होता है, दूसरा प्रिसीजन स्कोर, फिर तीसरा आता है रिकॉल स्कोर, फिर आपका आता है F1 स्कोर, और फिर पांचवें नंबर पे आपके पास आता है ROC कर्व वगैरह। ठीक है, AUC ROC। इसके अलावा और भी है, मतलब बेबहा मैट्रिक्स है, मैंने आपको लिंक भी दिया हुआ है, वहां पे जाके देख भी सकते हैं। यहां तक सिर्फ आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूं कि हम किस तरीके से मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं। ठीक है, इनकोडिंग के मैंने आपको तरीके बताए थे लास्ट टाइम, शायद आपको याद हो, लेबल इनकोडिंग क्या होता है, फ्लाइन इनकोडिंग क्या होता है, फ्लाइन चीजें क्या होती हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। बट बिफोर दैट अब हम बात करने वाले हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। ठीक है, ये आज का एल्गोरिथम इस वजह से मैंने चूज किया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नाम में अगर रिग्रेशन हो दैट डजंट मीन कि ये रिग्रेशन की प्रॉब्लम है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसके नाम में रिग्रेशन आता है, बट ये प्रॉब्लम है क्लासिफिकेशन की, और यहीं पे क्वेश्चन अराइज होता है जो एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि व्हाई डू वी कॉल लॉजिस्टिक रिग्रेशन अ रिग्रेशन।
बट दिस इज ए क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। वजह क्या है? तो वो आपने देखना है, व्हाई डू वी कॉल दिस रिग्रेशन। आपका ये क्वेश्चन आपने जरूर देखना है, ठीक है, कि क्यों हम इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहते हैं, हालांकि ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। और बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है, अगर आप सर्च करेंगे ना इसको गूगल पे, तो आपको बड़ी जल्दी से इसका आंसर मिल जाएगा। और ये आंसर बड़ा ही मतलब एक, मैं इसको फनी भी बोलूंगा, लेकिन एट द अदर साइड साइंटिफिकली फनी होना का मतलब गलत नहीं होता। वो एक जानबूझ के नाम के चूज करने के लिए जो चीजें इसके अंदर आती हैं उनको हम बारी बारी देख के फिर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अक्सर का जब भी मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करता हूँ, मैं स्टार्ट ही इसे करता हूँ कि हाँ जी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंटली स्टार्ट किया, क्योंकि आपको पहले पता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, और इसके अंदर होता क्या है, इसके मोटा मोटा एल्गोरिथम मैं आपको बता देता हूँ। ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या, जीरो या वन, और यस या नो। वो आपने जीतो पाकिस्तान देखा था, बोलो हाँ कि ना, याद है, सारे मिलके बोलो हाँ कि ना, वो हाँ कि ना जो है ना वो बाइनरी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, समझ आ गई बात की। अब इसके अंदर होता क्या है, आपके पास एक फंक्शन इसके अंदर यूज होता है जिसको हम सिग्मोइड फंक्शन बोलते हैं, इस तरीके से होता है। और ये जो सिग्मोइड फंक्शन है ना, ये बेसिकली रिग्रेशन की, लीनियर रिग्रेशन की तरह ही ये कर्व बना रहा होता है, तकरीबन वैसे ही, बट देर इज अ काइंड ऑफ यू नो एस काइंड ऑफ शेप हियर। अदर देन दैट ये रिग्रेशन की लाइन की तरह है, पॉलिनोमियल मल्टी लीनियर रिग्रेशन या लीनियर रिग्रेशन को अगर हम उनकी शेप्स देखें तो उसके अंदर ऐसी शेप्स बनती हैं। एक तो ये थ्योरी है बिहाइंड द सीन के यार इस वजह से इसे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन बोलते हैं। इसके अलावा भी और भी काफी ज्यादा जो है वो थ्योरीज इसके अंदर लाइक करती हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन करता है, और ये प्रोबेबिलिटी की बेस पे ना आपको बताता है कि आपका जीरो है या वन है, ठीक है। और बेसिकली इसके दो स्केल होते हैं, यहां पे जीरो होता है, यहां पे वन होता है। या तो आपकी वैल्यू यहां पे लाई करती है इस लाइन के ऊपर, या आपकी वैल्यू इस लाइन के ऊपर लाई करती है। अगर इसके ऊपर लाई करेगी तो ये जीरो हो जाएगी वैल्यू, अगर इसके ऊपर लाई करेगी तो ये वन हो जाएगी, सिंपली, ठीक है। अब इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे साइंस ये है कि एस फंक्शन के, सिग्मोइड फंक्शन की बेस पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फंक्शन को ड्रॉ करूं लाइक दिस, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। मैं बहुत ज्यादा एक्यूरेट आर्टिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश किया यहां पे ड्रॉ करने की। अगर आपके पास वैल्यू यहां पे आ रही है तो ये जीरो होना चाहिए ना, लेकिन यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे अंटिल द मिड ऑफ दिस लाइन जो भी वैल्यू आएगी वो जीरो में शुमार हो जाएगी, इससे ऊपर ऊपर सारी वाली जो है वो वन में शुमार हो जाएगी, ठीक है। इसी वजह से इसको बाइनरी क्लासिफायर हम बोलते हैं, क्योंकि इसका मेन फंक्शन यही है, और ये इसी तरीके से ट्रांसफर कर देता है दो लाइनों को, दो चीजों को डिफरेंट तरीके से। अब मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ, फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। आपके पास कुछ खिलौने पड़े होंगे, ठीक है, अपना बचपन याद करें, आपके पास कुछ खिलौने पड़े होंगे। वो एक मिसाल मैं अक्सर देता होता हूं कि भालू बनेगा, शेर बनेगा, चीता बनेगा, हाथी बनेगा, ठीक है। उसी को अगर मद्देनजर रखें, सिग्मॉइड फंक्शन कैसे काम करते हैं, आपके पास कुछ खिलौने, मैं यहां पर लिख देता हूं, एक है जो बिल्ली बनी हुई है, ठीक है, एक शेर बना हुआ है, ठीक है, एक चीता बना हुआ है। अब आपने गौर करनी है इस एग्जाम्पल में, फिर आपको जल्दी समझ आ जाएगा कि करना क्या है। बिल्ली, शेर, चीता, इसके बाद अगर मैं कहूं यहां पे फॉर एग्जाम्पल सांप और हाथी, उर्दू समझ आ जाएगी ना लिखी हुई मेरे हाथ की, ये पांच चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि आपने दो कैटेगरीज बनानी है, एक वो वाली जिसमें रेड कलर के आपके टॉयज हैं,
और एक वो कैटेगरी बनानी है जिसमें रेड नहीं है, नॉन रेड, ठीक है? रेड अगर है इसको हम वन भी बोल सकते हैं, रेड नहीं है तो इसको जीरो भी बोल सकते हैं, सही है? सिंपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अब आपने क्या करना है अपने हिसाब से, क्योंकि ये सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम है, सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है। पहले आपके पास मौजूद है रेड कलर की चीजें, जैसे बिल्ली, शेर और चीता, मैंने तीन चीजें लिखी, ये रेड कलर की हैं। मैंने इनको उठा के बोला कि ये रेड कलर की कैटेगरी में चली गई, समझ आ गई बात की? फिर मेरे पास आया सांप और हाथी, ये दोनों नॉन रेड में चली, ये मैंने मॉडल ट्रेन कर दिया, राइट? अब मेरे पास एक अननोन चीज आ रही है, आपने मॉडल ट्रेनिंग की बेस पे अंदाजा लगाना है कि ये रेड है या नॉन रेड है। और वो कैसे अंदाजा लगाना है? बेस्ड ऑन द फीचर्स ऑफ रेड कलर टॉयज, बेस्ड ऑन द फीचर्स ऑफ रेड कलर टॉयज। मैंने यहां पे लिखा है बिल्ली, शेर, चीता। हमारे पास जो अननोन वैल्यू है वो है एक डॉग, जिसे उर्दू में कुत्ता बोला जाता है। कैसी बात है, इंग्लिश में बोला बड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें टोटली उसका मतलब ही चेंज हो जाता है। बाय द वे, ये रेड कलर में जाएगा या नॉन रेड में जाएगा बेस्ड ऑन द फीचर्स? बड़ा आसान सा मामला है यहां पे, अगर आप इस पे गौर करेंगे। जी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रेड कलर में जाना चाहिए, उसकी रीजन क्या हो सकती है? बड़ी आसान सी रीजन है, और अगर नॉन रेड में जाना है तो क्यों जाना है? मैंने फीचर्स की बेस पे आपको बताया। चले मैं आपको बताता हूँ फीचर्स क्या होते हैं। अब यहां से गौर कीजिएगा, बिल्ली हमने इसमें डाली, बिल्ली की बेस कलर इसका रेड था पहले, लेकिन अगर आप बिल्ली की शेप और उसकी फिजिकल फीचर्स देखें, अगर याद करें तो कौन कौन से फीचर्स उसके होते हैं? चार टांगे हैं, छुपाया है, और उसका ऐसे करके फेस है, राइट? समथिंग लाइक दिस। अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से बिल्ली बनेगी। शेर का भी यही एक फीचर होगा ना, इसी तरीके से अगर गौर करें तो चार टांगे ऐसे हो जाएंगी, अगर मैं खराब बना दूं तो आई एम सॉरी फॉर दैट। चीता भी इसी तरीके से होगा, सही है? और अगर हम डॉगी लें तो वो भी तकरीबन इसी तरीके से होगा। तो मशीन लर्निंग सेम यही करती है, ये आप समझ लें कि इसका हाथ है, दो पाँव हैं जो छुपाया है ये, तो इसकी बेस पे, इनके फीचर्स की बेस पे इसको दो क्लासेस में डिवाइड करने को हम सिग्मॉइड फंक्शन के थ्रू यूज कर सकते हैं। अब हमने रेड और नॉन रेड क्यों बोला? क्योंकि जब हमने इनको क्लासिफाई किया तो ये रेड कलर की कैटेगरी में आ रहे थे और ये नॉन रेड में आ रहे थे। अगर आप इसी एग्जांपल को मद्देनजर रखें तो हमारे पास जो प्रेडिक्शन या फीचर्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम रेड कलर के टॉयज के फीचर्स की बात करें तो इनको हम बोलेंगे प्रिडिक्टर्स, प्रिडिक्टर्स, प्रिडिक्टर्स क्या होते हैं? आपके इनपुट फीचर्स या इनपुट या फीचर्स, वो सारी चीजों को प्रेडिक्टर ही बोलते हैं, इनपुट को या फीचर्स को। तो एक नया लफ्ज आ गया आपके पास प्रेडिक्टर्स का, राइट? याद है ना हमारी एक असाइनमेंट थी जिसमें मैंने पूछा था कि इनपुट को हम और क्या क्या बोलते हैं, आपने बोला फीचर्स कहते हैं, फिर इस तरीके से आपने और भी मुझे बताई थी इसकी एग्जाम्पल्स। तो प्रेडिक्टर्स जो है वो भी इनपुट की एक एग्जाम्पल है, यानी कि फीचर्स को हम प्रेडिक्टर्स बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ये जो हमारे पास मैंने बिल्ली, शेर, चीता और कुत्ते की एग्जांपल दी, ये अगर हमारे पास डेटा हो तो डेटा के जो एक्स होगा वो होगा प्रेडिक्टर्स, और वाई हमारे पास यहाँ पे क्या होगा वो होगा लेबल्स, और लेबल्स के अलावा इन्हें क्या कह सकते हैं? प्रेडिक्टर्स के अलावा।
लेबल्स हो जाते हैं, आउटपुट हो जाता है, ठीक है, टारगेट कह सकते हैं ऐसे। तो इस तरीके से हम इन चीजों को आगे लिखते हैं। अब ये जो डेटा है ना, इसके फीचर्स हैं सारे के सारे। अगर आपके पास इमेज एक होती तो उसमें से फीचर्स आप खुद से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। और अगर आपके पास डेटा दिया गया है कि कितनी टांगे हैं, कितने हाथ हैं, कितने कान हैं, कैसे चलते हैं, रींगते हैं, क्या करते हैं, अगर वो सारी एग्जाम्पल्स दी हो तो आप कम अज कम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। और मशीन लर्निंग भी ऐसे करती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, वन पास हमारे पास था रेड और यहाँ पे था हमारे पास जो दूसरा है नॉन रेड, ठीक है। यूजली वन को यस बोला जाता है बाइनरी आउटकम में और जीरो को नो बोला जाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यूजली क्या होता है, वन के ऊपर ट्रू आता है और जीरो पे फॉल्स आता है, ठीक है। जब आप बाइनरी आउटकम की बात करते हैं तो आपके पास ये होता है। अब मुझे सिर्फ ये बात बताएं कि एक्स आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, राइट। लॉजिस्टिक रिग्रेशन की अब अजम्पशंस देखने वाले हैं। एक्स में आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, दे कैन बी कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल। वो न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, कैटेगोरिकल भी हो सकते हैं, लेकिन वाई आपके पास एक होगा और उसके अंदर वैल्यूज सिर्फ दो यूनिक वैल्यूज होंगी, टू यूनिक वैल्यूज। समझ आ गई बात की? अगर y में दो से ज्यादा यूनिक वैल्यूज हैं तो क्या आप सिग्मोइड फंक्शन यूज कर सकते हैं, क्या आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर सकते हैं? दैट इज माय क्वेश्चन। और यही सारी जिस्ट है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के फंक्शन की, सिग्मोइड फंक्शन की लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम के अंदर। सो माय क्वेश्चन इज, अगर आपके पास y के अंदर दो यूनिक वैल्यूज से ज्यादा हों तो क्या आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो याद रखें, एक मेरा सीनियर है, वो आजकल रील्स बना रहा है, तो वो स्टार्ट यहां से करते हैं। याद रखें दोस्तों, तो मैं भी वही लफ्ज वहां से लूंगा। याद रखें दोस्तों, जब आपके पास लेबल्स में दो से ज्यादा यूनिक वैल्यूज हो, यानी कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हो, यू कैन नॉट यूज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। फॉर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन यू हैव टू चूज अनदर काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, जिसके बारे में हम आने वाले दिनों में पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। अब सिग्मोइड फंक्शन जब हमने इसके अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर यूज किया, दिस इज यूज्ड फॉर बाइनरी आउटकम। ये पॉइंट माइंड में रखिएगा, क्योंकि डीप लर्निंग के अंदर सिग्मोइड फंक्शन आता है एज एन एक्टिवेशन फंक्शन। अगर आपको ये बात याद ना रही तो फिर दोबारा से मैं पढ़ा तो दूंगा, बट इट्स बेटर इफ यू रिमेंबर दिस नाउ, ठीक है जी। ये दो अजम्पशंस मैंने आपको बता दी, आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है? मैथमेटिक्स में हम थोड़ा सा घुसेंगे, सो डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, मैं चीजें आपको बता के समझा के फिर आगे लेके चलूंगा, ठीक है। डरने से मुराद ये है, जो मेरे से अच्छे मैथमेटिशियन यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर मैं कहीं पे गलती करूँ तो मुझे बता भी दीजिएगा, बट आई विल ट्राई टू मेक इट ईजियर फॉर यू। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं, रेड है या नॉन रेड है, मैंने एग्जाम्पल इस वजह से स्टार्ट किया ताकि आपको याद रहे। असल में हम चीजों को क्लासीफाई कर रहे हैं, अगर हम इंटरप्रिटेशन में जाए ना, हम चीजों को क्लासीफाई कर रहे हैं विद इन टू ग्रुप्स, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, ठीक है, ये बात याद आ रही। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है कि भाई जान, हाथी के भी तो चार पांव हैं, क्या ख्याल है? अगर मैं हाथी को ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो इसके भी तो चार पांव, अलग बात है उसकी शेप डिफरेंट है तो चार पांव ना, ठीक है। लेकिन फर्क कहां पे आता है? उसके ये वाले फीचर्स के अंदर, राइट, जो उसकी सूंड है या उसका साइज जो है वो काफी बड़ा है। समझ आएगी बात की? अब ये अभी मैंने ड्राइंग की है, मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, लेकिन आपको बोल बोल के इसी वजह से मैं बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ भाई मैं सीधा पढ़ाने की आपको,
यहाँ पे उठा के तस्वीर भी मैं लगा सकता था, लेकिन ये वाला फिर मजा वहां पे नहीं आता। अब क्यों ये हाथी जो है वो रेड कलर में नहीं चला गया बेस्ड ऑन द फीचर्स? कौन सा फीचर है? एक तो उसका साइज बहुत बड़ा भाई। हाथी के साइज का कोई और आपने ऐसा जानवर देखा है जो इस फैमिली के साथ आता हो? बिल्ली, शेर, चीता, वो आपने सुनी है ना, बिल्ली शेर की खाला है, लपकी दरख्त पर चढ़ गई, डिंग डोंग, नहीं याद? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सेम फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। जानवरों की भी फैमिलीज होती हैं, ये सेम एक ब्रीड या आप कह लें कि मेजर जो इनका ग्रुप है वो सेम है, इस वजह से वो उसमें क्लासिफाई हो रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हाथी जो है वो यहाँ पे आई यहाँ पे नहीं है? उसकी रीजन ये है, बेस्ड ऑन इट्स फीचर आपके पास एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इस प्रोबेबिलिटी की बेस पे आप इसको या तो इस ग्रुप में भेजते हैं या आप इस ग्रुप में भेजते हैं, और वो प्रोबेबिलिटी मैटर करती है आपके सारे के सारे इनपुट फीचर्स पे। इनपुट फीचर्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकता है साइज, मेजर मेजर चीज साइज ही है, ठीक है, फिर शेप, फिर आपके पास आ सकता है जी उसके नंबर ऑफ लेग्स, ठीक है, फिर फेस शेप कैसी है, ठीक है, फेशियल हेयर्स, क्योंकि जाहिर बात है आपको पता है अगर बिल्ली को देखें आप या बाकी जानवरों को देखें उसी क्लास के अंदर, उनके ऊपर हेयर होते हैं, ठीक है, फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि कैट वॉक, शायद आपको नहीं पता जो लोग रैंप वॉक करते हैं दे ट्राई टू फॉलो शेरनी, शेरनी का पता ना क्या है, लाइनस, और उसकी डिफरेंट ब्रीड्स डिफरेंट तरीके से वॉक करती हैं, सो माइट बी दिस माइट बी अनदर फीचर। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है। अब ये सारी चीजें आती हैं, अब एक तरह के जानवरों की बेस के ऊपर हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है जिसकी बेस पे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके उन दोनों में डिवाइड कर देते हैं। अब क्योंकि हमारे पास बिल्ली, शेर और चीता और बाकी चीजों के जो फीचर्स थे वो मैच कर रहे होंगे, तो इस वजह से प्रोबेबिलिटी ये होगी कि जो भी नया अननोन आएगा वो उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि उसके ज्यादा होने के चांसेस यहाँ पे हैं बजाय इसके। ये हमें कैसे पता चलेगा कि किस किस जगह पे उसने जाना है? तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 के इक्वल होती है कि एक चीज का मैक्सिमम होना 1 के इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चीज की प्रोबेबिलिटी 1 है टू गो इनटू रेड, तो नॉन रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 0, ठीक है। अगर एक चीज की प्रोबेबिलिटी यहां पे हुई 0.75, तो नॉन रेड की कितनी हुई? 0.25। तो इन टोटल आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होती है, और बेस्ड ऑन द फीचर्स, बेस्ड ऑन ऑल द इनपुट पैरामीटर्स, आपकी ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है विद एन इक्वेशन, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, उस इक्वेशन की बेस पे आप प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करके चीजों को डिवाइड करते हैं, और क्लासिफिकेशन ज्यादातर एल्गोरिथम जो है वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे चलते हैं, ठीक है। अब यहीं पे आप 1 मिनट की, 2 मिनट की सर्च ब्रेक लेंगे, सर्च ब्रेक यानी कि गूगलिंग ब्रेक, ब्रेक गूगल करना है आपने, क्या गूगल करना है, मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन क्या होती है, MLE, मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन एंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और MLE, इन दोनों में आपने फर्क देखना है क्या है, और इन दोनों को आपने डिफाइन करके देखना। और अगर आपको यहां पे मैं एक, चले खैर बाकी बातें एक साइड पे, 30 सेकंड के लिए मेरी एक बात सुन लीजिएगा। ChatGPT+ हमने रिसेंटली परचेज किया, मैंने कहा चलो आवाम का फायदा हो जाए भेजते हैं, वो किसी खुदा के बंदे ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन खुद लगा दिया है, मैं खुद नहीं एक्सेस कर पा रहा उसे। तो अगर वो आप में से कोई है खुदा के बंदो, उन्होंने रिमूव कर दो, मुझे पैसों से कोई मसला नहीं है, 2,000-3,000 की खैर है मेरे को ले लियो, लेकिन उसे रिमूव कर दो, कोई 10-12 लोग उसे यूज कर रहे हैं, ऐसे गलत बात होती है। अगर कोई सुन रहा है तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि यार इसको ना करें ऐसे, पता है हम पाकिस्तानी, इसी वजह से मुझे आप समझ आइए आवाम क्यों इतना इन्वेस्ट नहीं करती इन चीजों के अंदर। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने सभी को बताया हुआ है तो कोई इतना मसला नहीं होगा, उसने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाई है, अच्छा फिर मोबाइल पे नहीं लगाई, वो गूगल ऑथेंटिकेटर होते हैं ना जिस पर कोड आता है उससे लगाई है, वो मेरे मोबाइल में भी मैं ओपन करूं तो नहीं होना, क्योंकि क्यूआर कोड उसने स्कैन किया हुआ है, वो कोई भी है बड़ा जीनियस बंदा है लेकिन 2 नंबरी कर रहा है, सो प्लीज सेट हो जाओ आप लोग, मुझे क्या, मैं तो कैंसिल कर दूंगा सब्सक्रिप्शन, लेकिन एट द एंड लोगों का नुकसान है, ठीक हो गया जी। हाँ जी सर्च किया आपने जी,
प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एमएलई क्या होती है? पढ़ने पढ़ने कुछ नहीं होने लगा, इतने दिन वेले बैठे हम लोग। चलें जी, अब मैं आपको बताता हूं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी होती है किसी चीज का होना या करार पाना। ये तो होगी उर्दू की डेफिनेशन। जैसे मैंने आपको बताया रेड वर्सेस नॉन रेड करके, कि अगर इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब इसका इस कैटेगरी में आने के चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर एक इक्वेशन है जो भी आपको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर जो दो किस्म की आप कह लें कि कनेक्शन जो है वो चलते हैं, वो कौन कौन से मैं आपको बताने वाला हूं। आपको याद है ये चार हिस्से जो मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं बार बार जानबूझ के? कंपोजिशन होगी, ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जो आपको फॉर एग्जांपल कनेक्शन कंपैरिजन वगैरह आ जाता है। एक साइड पे आपके पास मतलब आपको याद है, ठीक है कि नहीं याद? कुछ लोग ऐसे ऐसे सर हिला रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, रिलेशनशिप आ जाता है, कंपैरिजन आ जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने करके बनाया था। अब होता क्या है, फीचर्स आपके पास एक्स होते हैं, ठीक है, ये सारे एक्स में ड्रॉ कर रहा हूं, शेप साइज कुछ भी आ गया, ये सारे के सारे एक्स हैं और ये वाई है, ठीक है। अब देखिएगा होता क्या है, एक्स वन इसको बोलता हूं, इसको एक्स टू, इसको एक्स थ्री, इसको एक्स फोर, इसको एक्स फाइव। अब होता क्या है, इन सारे फीचर्स का अपने आप के साथ लिंक, विद इन दैट फीचर लिंक, प्लस इसका इंस्टेंस का लिंक, मतलब आपस में इनका रिलेशनशिप, हर फीचर का दूसरे फीचर के साथ, हर दो फीचर का तीसरे फीचर के साथ, और इनका विद इन फीचर कनेक्शन। ये दोनों चीजें मिलके, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम बोलते हैं अगर नॉर्मल है या नहीं, जो विद इन फीचर होता है कनेक्शन उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, जो आपस में होता है इसको रिलेशनशिप, सिमिलैरिटीज या डिसिमिलैरिटीज बोलते हैं। इन दोनों की बेस पे हमारे पास वाई को प्रेडिक्ट किया जाता है। और ये तो दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह प्लस आपका रिलेशनशिप अमंग द फीचर्स, ये मिलके आपको एक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू देते हैं जिसकी बेस पे आप चीजों को असाइन करते हैं इन वन ग्रुप और अनदर ग्रुप, जीरो है या वन है, ये सारा कुछ मिलके। और ये प्रोबेबिलिटी जीरो से वन तक रेंज करती है। अब आपको दो चीजें मैं यहां पर बता रहा हूं, एक ये कि जीरो से वन तक रेंज करती है इन कॉन्टिन्यूस वैल्यूज, आपकी प्रोबेबिलिटी जीरो से वन तक रेंज करती है इन कॉन्टिन्यूस वैल्यूज।
डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का फर्क पता है ना, 0.25, 0.75, समथिंग लाइक दैट एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन मैं साथ में ये भी कह रहा हूं कि ये प्रोबेबिलिटी आपको बाइनरी क्लासिफिकेशन बताती है। मतलब ये कि आपने नंबर नहीं बताना, आपने बाइनरी क्लासिफिकेशन बताना। अब होता क्या है, गौर कीजिएगा, जब आपके पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ गई ना, सिग्मोइड फंक्शन का काम ये है उस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करके पकड़ा देना, ये लो पकड़ो, रेड है या नॉन रेड, वो काम सिग्मोइड फंक्शन कर रहा है। पीछे फीचर्स की बेस पे आपकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो रही। सो जब कभी भी कोई फंक्शन आ जाए डीप लर्निंग में, मशीन लर्निंग में, उसका मकसद होता है आपको फाइनल आउटपुट देने, ठीक है। अब इसको आगे भी हम देखेंगे डीप लर्निंग के अंदर। सो बात याद रहे कि 0 से 1 तक रेंज करती है प्रोबेबिलिटी, एंड एट द एंड आपके पास या 0 आता है या 1 आता है। वो किस बेस पे आता है, वही राउंड ऑफ की बेस पे आप कह लें इसे, कि नीचे वाले सारे 0 में होंगे, ऊपर वाले सारे यहाँ पे 1 में होंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, अगर बिल्कुल सेंटर में आ जाए तो 50-50 अगर हो जाए तो हम क्या करेंगे, है ना क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल अगर एक चीज की प्रोबेबिलिटी 0.5 की यहाँ पे है, 0.5 की यहाँ पे है, तो इसको हम किस में क्लासिफाई करेंगे, कोई बता सकता है? बाय द वे प्रोबेबिलिटी के अंदर न्यूट्रल नहीं होता, क्लासिफिकेशन आपने एक ग्रुप में करनी करनी है। जरा इसके बारे में सोचिएगा और एक बात मद्देनजर रखिएगा, मैंने बोला है ये कॉन्टिन्यूस वैल्यू है। पहली बात तो ये कि चांसेस बहुत लेस हैं कि ये 0.5 हो जाए प्रोबेबिलिटी दोनों की। सेकंड, सिग्मोइड फंक्शन नहीं तो इसे आपको कन्वर्ट करके देना ना, ये 1 में या 0 में। सो उसके पीछे क्या है क्वेश्चन है, मैं उसके बीच में नहीं जाने वाला, लेकिन आपको बताने वाला हूँ कि आपने इसको देखना है कि अगर आपके पास 0.5 की प्रोबेबिलिटी हो तो सिग्मोइड फंक्शन कैसे हैंडल करता है उसे 1 में या 1 में या 0 में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपने देखना है, ओके जी। अब जो अगला काम है हमारा, इन समरी होता क्या है, इन समरी ये होता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक तरीकाकार है टू प्रिडिक्ट इफ समथिंग बिलोंग्स टू वन ग्रुप और अनदर ग्रुप। आपको बच्चों वाली बातें लग रही होंगी कि लाल वाले खिलौने और दूसरे वाले खिलौने, ये तो मार्क से भी देख सकते हैं। मैं खिलौनों की एग्जांपल दी, अगर आपके पास डेटा हो तो आप कैसे अननोन डेटा को क्लासिफाई करेंगे, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये सब होता है एक मैथमेटिकल इक्वेशन के बेस पे। याद रखें दोस्तों कि SLR जब मैंने आपको पढ़ाई थी, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, उसमें मैंने आपको बताया था एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है और इस मैथमेटिकल इक्वेशन को ही हम कहते हैं ML मॉडल। मॉडल इज नथिंग बट अन इक्वेशन दैट कैन प्रिडिक्ट सम अननोन वैल्यूज बेस्ड ऑन द नॉन वैल्यूज, ठीक है, ओके जी। अब आगे चलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपको इन चीजों की समझ भी आती रहेगी। एक चीज याद रखनी है आपने, अगेन बाइनरी आउटकम आनी है इसमें, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन नहीं होनी, सही है। अब यहां पे हमारे पास जो x है इसको हम प्रिडिक्टर्स बोलते हैं, और मैंने आपको बताया कि ये प्रिडिक्टर्स सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, बेसिक अजम्पशन इसकी ये है। लेकिन रिसेंटली लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर एडजस्टमेंट करने के बाद उन्होंने ये बोला है कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी इसके अंदर ले सकते हैं। बट जाहिर बात है जब आप इसका रिलेशनशिप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि एक किस्म का रिलेशनशिप पॉजिटिव बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है, कैसा बन रहा है, तो उसकी बेस पे आप आगे जा सकते हैं। ये जो मैंने चीज बताई है ना रिलेशनशिप, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, आपके पास न्यूट्रल हो, ठीक है, या आपके पास यू शेप्ड हो, तो आप उसको भी देख सकते हैं यहाँ पे। इस वजह से प्रोबेबिलिटी के अंदर मैंने रिलेशनशिप को ऐड किया है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर रिलेशनशिप हो गया तो वो कुछ ना कुछ उनकी डिपेंडेंसी होती है। अच्छा जी, प्रिडिक्टर्स इसको मैंने बोल दिया और ये यूजली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। फिर वाई को हमने बोला है यहाँ पे रिस्पॉन्स,
यानी कि प्रिडिक्टर्स की बेस पे रिस्पांस क्या आ रहा है, एक ये नया वर्ड आ गया आपके पास। तो आउटपुट्स को लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर आप रिस्पांस भी बोल सकते हैं, लेबल्स भी बोल सकते हैं, और ये यूजली क्या होता है, ये यूजली डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कोई बंदा इस बात से इतराज कर रहा हो कि ये डिपेंडेंट नहीं होगा, आपस की बात है, कोई भी एक बंदा कोई इतराज कर रहा हो इस पे, जब हम बार बार एक बात कर रहे हैं कि एक्स की बेस पे हमने वाई को प्रेडिक्ट करना है, तो जाहिर बात है वाई बेचारा एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, ठीक है, सो इट मस्ट बी एन डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई होंगी, अब होता क्या है, ये आउटपुट वेरिएबल आपकी दो वैल्यूज ही लेता है, या जीरो या वन, ठीक है, याद है ना, जीरो वन नॉन रेड और रेड की जो मैंने बात की, यहां तक आपको याद होगा। और ये सब कुछ चलता है एक इक्वेशन की बेस पे, एंड नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन दैट इक्वेशन। P इज इक्वल टू, मैं साथ में बोलूंगा कौन सा P, छोटा P इज इक्वल टू, मैं छोटा P लिख रहा हूं, छोटा P इज इक्वल टू वन ओवर, इसके बाद आप लिखें जनाब वन प्लस e की पावर माइनस z, और इसको हम बंद कर देते हैं माइनस z, और प्रोबेबिलिटी इस बेस पे कैलकुलेट होती है। अब ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन की इक्वेशन, इसके अंदर P क्या है, E क्या है और Z क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं और इसको फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाने वाला इसके अंदर, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इक्वेशन ये होती है, और ये इक्वेशन जो है ये मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ अभी आपके चैट के अंदर, ताकि आप इसके ऊपर अंदाजा लगा सकें कि ये कैसे काम करती है, ठीक है। मैं अगली बात पे आ रहा हूं कि ये मुझे भी नहीं याद, आपने भी याद नहीं रखनी, तरीका पता हो कि कौन कौन से फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं। मैं सीधी बात करने वाला बंदा हूं, एमी में कहता हूं नहीं नहीं याद करो, रट्टा लगाओ, कोई जरूरत नहीं है एमी फजूल में ऐसे ऐसे कामों पे वक्त जाया करने की। एक बड़ी वीडियो वायरल हुई है एक बंदे की, यूएस का बंदा है, नाम मुझे याद नहीं, उसकी टिकटॉक्स बड़ी मैं देखता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर है, वो पूछता है कि पांचवें अमेरिकन प्रेसिडेंट का नाम क्या था, गूगल, वो सीरी से पूछता है कि गूगल से पूछता है, वो बताना शुरू हो जाती, कहता मुझे क्या जरूरत पड़ी इन चीजों को याद करने की जब गूगल की एक सर्च पे सब कुछ पड़ा हुआ है, व्हाई डोंट वी स्पेंड दैट द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इन समथिंग एल्स। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से हम चलेंगे, ये वैसे भी आपको याद हो जानी ना, कैसे याद होनी मैं आपको भी बताता हूँ। मैं इक्वेशन याद नहीं रखता, लेकिन मुझे इक्वेशन की इनपुट्स का पता होता है कि क्या क्या है। अब उसको देखते हैं, यहां पे जो पी है ना, ये वाला पी, ये होता है जनाब, इसको हम बोलते हैं प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये है प्रोबेबिलिटी वाई वाली जो हम कैलकुलेट करते हैं इस इक्वेशन से। पी की समझ आ गई, ये वन क्या है, ये वही वन है जिसको कहते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये वो वाला वन है, ठीक है, ये भी वो वाला वन है। अब चलते हैं ई पे, ई जो है ये किसी को पता है मैथमेटिकल का, मैथमेटिक्स का कांस्टेंट है, इसकी एक वैल्यू होती है, जैसे पाई की है ना 3.14, ठीक है, ई की भी वैल्यू होती है, ई की वैल्यू 2.78 समथिंग होती है। ई को कहते क्या है, कुछ लोग पहले लिख रहे हैं इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, और आप जरा चेक कीजिएगा इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और लोगों ने कितना टाइम सर्व किया सिर्फ ई की वैल्यू को कैलकुलेट करने में। आपको शायद याद हो पाई और ई की वैल्यू को कैलकुलेट करने में लोगों के रिकॉर्ड लगे हुए हैं कि इसने पॉइंट के बाद इतने थाउजेंड्स में वैल्यूज कैलकुलेट की, इसने पॉइंट के बाद एंड लिमिटलेस वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट की, ठीक है। तो बड़े मतलब मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप जाएं, क्योंकि आप डेटा साइंस पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसकी वैल्यू जो है वो मैटर करती है। मैंने आपको यहां पे पी की वैल्यू बताया, अगर ये टोटल वन हो जाए तो इसका मतलब है कि यस, जीरो हो जाए तो नो, ठीक है, ये तो याद है ना, जो मैंने पहले सारी एक्सप्लेनेशन दी वो इसी वजह से दी ताकि मुझे यहां पे ना देनी पड़े।
ई को हम मैथमेटिकल कांस्टेंट होते हैं और इसकी वैल्यू होती है 2.78 71828 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये मैथमेटिकल कांस्टेंट है। इसकी कांस्टेंट का मतलब ये होता है, अगर आपको नहीं याद तो जिसकी वैल्यू चेंज ना हो बल्कि सेम रहे थ्रू आउट द इक्वेशन। तो इसका मतलब है ये भी नहीं चेंज होनी हमारी वैल्यू, ये वन भी नहीं चेंज होना, ये वाला वन भी नहीं चेंज होना। तो पीछे क्या बचा, जी। ठीक है, अब जी पे जाते हैं कि जी क्या, जी हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन है इनपुट वेरिएबल्स का, यानी कि जी जो है ना वो आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनाता है बेस्ड ऑन द वेट्स एंड बायसेस। हमेशा जब भी मशीन लर्निंग आपने पढ़नी है आपको दो चीजें बड़ी सुनने को मिलेंगी, वेट्स क्या है और बायसेस क्या है, एंड दैट इज योर स्मॉल असाइनमेंट। इतनी सी असाइनमेंट आपको समझ आ जाएगी वेट्स क्या है बायसेस क्या है, सिर्फ आपने एक दफा पढ़ना है वरना मैंने तो आपको पढ़ाना ही है। इसके ऊपर सब कुछ आपका डिपेंड करता है। वो याद है आपको इंटरसेप्ट एंड स्लोप पढ़ाई थी मैंने, आप देखिएगा इसके आसपास मिलती जुलती चीजें। और ये जी जो है ना इसकी बेस पे सब कुछ चेंज होता है, क्योंकि बाकी तो सारा कुछ कांस्टेंट नहीं है। यहां पे गौर करें तो वन भी कांस्टेंट है, वन फिर से कांस्टेंट है, प्लस ई भी कांस्टेंट है हमारे पास, माइनस जी, यानी कि माइनस जी की वैल्यू जितनी आएगी उसकी बेस पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी, राइट। अब ये माइनस जी की वैल्यू क्या है इसको देखते हैं। माइनस जी जो है या जी जो है सॉरी, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इनपुट वेरिएबल्स का, यानी कि जी जो है ये कॉम्बिनेशन है इनपुट वेरिएबल्स का, यानी के प्रिडिक्टर्स का। मतलब ये जो चीज मैंने आपको यहां पे बताई थी ना कि जनाबे वाला ये चार चीजें याद रखें, याद है, और उसके बाद इसमें मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन प्लस रिलेशनशिप, ये दो चीजें बताई आपको, ये दोनों चीजों की बेस पे प्रोबेबिलिटी बनती। मैंने आपको ये भी बताया था पीछे, बताया था ना कि इनपुट वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप मिलके प्रोबेबिलिटी को बनाता है। यही बात है, कंबिनेशन ऑफ इनपुट वेरिएबल्स एंड दिस रिलेशनशिप दैट मेक्स एन आउटपुट वेरिएबल आर कंसिडर्ड इन जी। ठीक है, और ये जो है इसको लीनियर कंबिनेशन बोलते हैं। मतलब ये, अब मेरी बात समझिएगा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, आपके पास अगर सिंपल लीनियर रिग्रेशन आपको याद हो, उसकी इक्वेशन याद हो, सेम वही तकरीबन सेम वही फॉर्मूला यहां पे लगना है इसके अंदर, और आपके पास पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी आ जानी। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, जिसमें बटाना आए नीचे, सीधी सीधी चलती रहे। बटेगा पता है ना नहीं पता, कभी आपके पास पैसे कम हो आप एक बंदे को जाके यार एक चाय बना के दो बटे कर दे उसके, नहीं पता। ये हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को पता है, आप फिर ठहरे कॉफी पीने वाले, वो भी स्टारबक्स से, एट द एंड सतार बख्श निकल आंदा है। सो हम लोग बटे पीते हैं, वो क्या होता है क्योंकि अभी मैं पाकिस्तान से हो गया हूँ ना, तंदूरी चाय बहुत महंगी है, मतलब 150-200 रुपए की एक है, 150 रुपए की, मतलब इतनी महंगी नहीं है, मतलब जारी बात है आप लोगों के लिए नहीं महंगी, हम गरीब लोग हैं तो हमारे लिए महंगी है। तो वो 150 रुपए की एक चाय है, ऊपर से गर्म बहुत होती है, तो जल्दी जल्दी में पीनी हो तो हम कह देते थे इसके दो बटे कर दे। तो मतलब ये अगर आप 150-150 की चाय पी रहे हैं उसके जमा ऐसे होंगे पैसे, अगर आप दो बटे कर देंगे तो वो 150/2 ये इस तरीके से आ जाएगा। ये जो बटा में चीज आ जाती है ना ये लीनियर नहीं रहती, लीनियर जो है वो एक लाइन में चलती है। ओके हो गया, समझ आ गई बात की। अब आम कह रही अद्धा यूरो है, अच्छा भाई रखो नजर आप लोग। वो मेरा एक दोस्त है पाकिस्तान में, जैसे ज़िशानुल हसन उस्मानी साहब कहते हैं ना कि मेरा एक दोस्त अब्दुल्ला है, मैं अपना दोस्त शीदा रख लेना। तो मेरा एक दोस्त है शीदा, वो कहता होता है जब आप पाकिस्तान आते हो लोग आपको ऐसे ही देखते हैं जैसे आप उनके लिए चलते फिरते यूरो हो। मैं कह इसका मतलब हमारी तो वैल्यू बढ़ रही है ना पिछले दिनों से। सो लेट्स बातें कम, जी देखते हैं क्या है। जी इज इक्वल टू, पता नहीं आप कहां पे फिर रहे हैं, मैं यकीन माने अगर मैं मैथ पढ़ाने बैठ जाऊं ना सारे अच्छे तरीके से समझ के उठे, बेशक एक छोटी सी इक्वेशन ही एक दिन उठे समझे, लेकिन आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये मैंने x1 बताया था, ये x2, ये x3, x4, x5 याद है ना, इनपुट फीचर्स याद है ये। चलें अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, यहां पे z इज इक्वल टू
प्लस मैं यकीन माने देख के लिख रहा हूं, इसी वजह से गलती हो गई। बी टू एक्स टू प्लस कंटिन्यू प्लस बी एन एक्स एन। जी एक लीनियर इक्वेशन में आता है और ये लीनियर इक्वेशन आपके सामने पड़ी है। ओके हो गया। अब इस लीनियर इक्वेशन में बी जीरो क्या है और इसको हम कांस्टेंट क्यों कहते हैं, ठीक है। बी वन क्या है, उसकी वैल्यू कितनी, एक्स वन क्या है, इसके बारे में देखते हैं। ये जो है ना, इसको हम इंटरसेप्ट कह सकते हैं। याद करें स्टार्ट वाली इक्वेशन लीनियर रिग्रेशन की, एक था इंटरसेप्ट एक थी स्लोप, राइट। याद है कुछ उसका? नहीं याद तो मैं आपको बताता हूं। इसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, इसको बाइसनेस भी बोल सकते हैं और ये हम इसको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या चीज है, जब भी कभी आप किसी चीज को करेक्ट करने के अंदर जुड़ जाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि ये इक्वेशन है जी सारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की, ठीक है। इसके अंदर आप कहेंगे यार आप कैलकुलेट तो कर रहे हो, उसमें तो एरर के चांसेस भी हैं, आप बायस भी हो सकते हो किसी चीज को लेके, फलान चीज भी हो सकती है, फलान भी हो सकती है। उसके लिए आप बी जीरो लगाते हैं, मतलब कितनी की बायसनेस हो सकती है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू को बी जीरो बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, बी वन और एक्स वन क्या है और बाकी चीजें क्या है। जो बी वन है या बी टू है या बी एन है, ये सारी चीजें यानी कि बी ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है कॉफिशियंट्स, ठीक है। इनको हम वेट्स भी कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया ना बाइस एंड वेट्स, इनको हम वेट्स भी कहते हैं और इनको हम पैरामीटर्स भी बोलते हैं। सही हो गया, समझ आ गई बात की, बड़ा आसान सा इंटरसेप्ट एंड कोएफिशिएंट्स। पीछे बचा एक्स। एक्स क्या चीजें हैं, अगर अब भी आपको नहीं बताना तो यकीन माने तुसी नहीं मेरे लेक्चर सुन रहे हो। और इनपुट वेरिएबल, ये पीछे मैं आपको बता के रखा हूं, ये चेक करें। यहां पे बकायदा मैंने x1 x2 x3 x4 x5 लिखा था, याद है। तो ये उस इनपुट वेरिएबल का यहां पे वैल्यू आएगी, ठीक है। कौन सी वैल्यू आएगी वो हम देखते हैं। अब होता क्या है, ये इक्वेशन ऐसे मिलके बनती है कि इंटरसेप्ट या बायसनेस प्लस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल वन, कॉफिशेंट ऑफ वेरिएबल टू, कॉफिशेंट ऑफ वेरिएबल एन। समझ आई बात की, हर वेरिएबल का कॉफिशेंट आपने लेना है, उन सभी को प्लस करना है, प्लस आपने बीच में आपने बाइसनेस के चांसेस कर देने, आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी। सही है। अब वेट्स और बाइसनेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट्स अनदर टॉपिक, बट फॉर नाउ आपको सिर्फ ये बताना मैं चाह रहा हूं कि आप इस तरीके से लीनियर रिग्रेशन के अंदर जी की वैल्यू को बनाते हैं। z की वैल्यू आ गई, आप इसमें z की वैल्यू को पिन करेंगे, आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी। और बाय द वे ये आप हाथों से कैलकुलेट नहीं करते सब कुछ, आपको पता है ना अपना पाइथन सैकेट लर्न, उसने आपको ये चुटकियों में करके दे देना। अब रही बात, होता ये है हर एक इनपुट वेरिएबल जो है ना वो अपने कॉफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई करता है और फिर उसका इनपुट वेरिएबल का जो वेट है वो डिसाइड होता है। वेट क्या है और कॉफिशेंट या पैरामीटर क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं थ्योरी बताता हूँ। बोर तो नहीं हो रहे ना, वेट्स क्या होते हैं। पंचायत में कभी गए हैं कोई आपने से, पंचायत लगी होती है, वहां पे जब पंचायत का सरपंच या चौधरी जब कोई बात कर रहा होता है तो उसकी बात का वजन कितना होता है बाकी आम बंदे की निस्बत, अच्छा खासा होता है ना। आप खुद चेक करें या घर की बात कर लें,
आपके घर में अगर कोई, मतलब आपके अल्लाह ताला हयाती दे, अगर आपके दादा अबू या आपके बुजुर्ग वगैरह जिंदा हैं, तो जब घर में कोई फैसले होते हैं तो छोटे बच्चे की बात का ज्यादा वजन होता है या बड़े बच्चे की बात का ज्यादा वजन होता है या बुजुर्ग की बात का ज्यादा वजन होता है? ऑब्वियसली जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा है या जिनकी वैल्यू ज्यादा है उनका वेट ज्यादा होता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बात का वजन कम होता है लेकिन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। आपने कभी नोट किया हो घर में कोई चीज लेने जा रहे हैं, आप कोई मशवरा दे दें और आप हों जॉबलेस, तनु की क्या जाता, शुक्र करते हैं रोटी मिल रही, बहुत ही बक बक ना कर। होता है ना अक्सर अवकात, लड़कों के साथ होता है, लड़कियों के बेचारों के साथ ही ये होता है, लड़कियों के साथ भी एक मामला होता है, मैं बता देता हूँ। परसों आपको देखने आ रहे हैं, तो ये हमारे मुआशरे का अलमी है। सही बात बता रहा हूँ आपको, अक्सर अवकात जब लड़का बेचारा काम लेस, में बोल दूं जॉब लेस नहीं बोलता, उसकी बात का वजन कम हो जाता है। फीमेल्स जो हैं अगर अच्छा पढ़ रही हैं तो उनकी बात की बड़ी वैल्यू होती है, वो पूरे मोहल्ले में या पूरे इलाके में या अपने जो रिश्तेदार हैं उनको मशवरा दे देना कि बेटा आपने साइंस रखनी है, वो बच्चा बेचारा आर्टिस्ट भी हो ना तो उसको साइंस रखवा दी जाती है। क्यों? क्योंकि जी फलां आपकी ट्यूशन वाली बाजी नहीं है, बोल रहा था, होता है ना ऐसे। और हम अगर कोई मशवरा दे दें तो क्या होता है, हमारी बात का वजन नहीं माना जाता, एग्जैक्टली ऑपोजिट किया जाता है। और ये रियल लाइफ में मेरे साथ हुआ। मेरा एक कजन है शीदा, याद रखिएगा, उसने मेरे से मशवरा लिया हमारे भाई बैचलर में क्या करना चाहिए। मैंने कहा बायोटेक रख लो, बड़ा स्कोप है। तो उस बंदे ने कहा ठीक है जी, आपने कह दिया, मैंने बायोटेक रख देनी है। सेकंड डे उस बंदे का स्टेटस लिखा लगा आया, अल्हम्दुलिल्लाह गॉट एडमिशन इन डी फार्मेसी। मतलब ये कि एग्जैक्टली ऑपोजिट किया उस बंदे ने। तो कुछ लोग सिर्फ मशवरे इस वजह से लेते हैं कि उसके ऑपोजिट करें। बाय द वे, वेट्स की बात मैं बता रहा था, किस चीज का वेट ज्यादा होगा वेरिएबल्स में, कोई माइंड में बात आ रही है? इस चीज को देखते हुए, डिस्ट्रीब्यूशन और रिलेशनशिप को देखते हुए, कोई माइंड में कोई फिरकी घूमी है किस चीज का वेट ज्यादा होगा? मैंने आपको बताया दो चीजों पे प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है, डिस्ट्रीब्यूशन या रिलेशनशिप ऑफ द इनपुट वेरिएबल्स। अब बात आती है किस इनपुट वेरिएबल का वेट ज्यादा होगा, यानी कि B1X1, B2X2, BNXN, इन सभी वेरिएबल्स में से किसकी ये वाली वैल्यू यहां पे ज्यादा आएगी? उसकी ज्यादा आएगी जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो, जिसके पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो आउटपुट के साथ प्रिडिक्ट करने का, जिसकी वैल्यूज मिसिंग ना हो, जिस कॉलम का या जिस वेरिएबल का रिलेशनशिप अमंग अदर वेरिएबल्स अच्छा खासा हो, मतलब कभी पॉजिटिव हो कभी नेगेटिव हो, न्यूट्रल कम हो। और ये जो वेट्स हैं, अगर एक का वेट ज्यादा है दूसरे का कम है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, अगर X2 वेरिएबल ये बोल रहा है कि नॉन रेड क्लासिफिकेशन है और X1 कह रहा है नहीं जी रेड है, तो क्या होगा भला? X1 की मानी जाएगी, तानू कहना बक बक ना कर, X2 को कहना बक बक ना कर। समझ आ रही बात की? वेट्स मैटर करते हैं, सही है? देखिए मेरी बात सुने, आपके पास अगर एक वेरिएबल का डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, वो बात याद रखे, सरपंच तब भी बनता है, ये नहीं है कि 5 साल का बच्चा सरपंच बना दिया जाए, ठीक है, वो तब बनता है जब एक्सपीरियंस हो उसके पास, उसका लिंक दूसरा रिलेशनशिप अमंग दोज वेरिएबल्स ज्यादा हो, इन अदर वर्ड्स आपकी इंपॉर्टेंट फीचर्स का वेट ज्यादा होगा, वो वाले इनपुट वेरिएबल जिनका वेट ज्यादा होगा। इसकी एक और मिसाल दे देता हूं आप, अब बड़ी बड़ी अच्छी मिसाल अल्लाह ताला ने दिमाग में डाली है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको बताया कि बिल्ली बनेगी, शेर बनेगा, चीता बनेगा, हाथी बनेगा और बड़ा होके बनेगा,
अब यहाँ पे इन सभी के अंदर मैं फीचर्स की बात करने वाला हूँ। आपने खुद से दिमाग में आ जाना कि कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर है। साइज उनका, ठीक है, फिर लेग्स कितनी है, सही हो गया, आईज कितनी है, फिर उसके बाद आप लगा लें हेयर्स हैं कि नहीं फेशियल, ठीक हो गया, यहां पे सांप पे लिख देते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, यहां पे एक मैं पॉइंट लिखने लगा आपको समझ आ जानी, आई कलर, कलर। अब मुझे एक बात बताएं, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कौन कौन से हैं और नॉन इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं, या लेस इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? साइज मैटर करता है कि नहीं करता इनकी क्लासिफिकेशन में? बिल्कुल करेगा। अब हाथी और बिल्ली शेर में तो फर्क है ना, ठीक है, लेग्स भी मैटर करती हैं चार, साइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है साइज की। क्यों? क्योंकि अगर हाथी को देखें और शेर को देखें, हैं तो दोनों की चार टांगे, लेग्स अगर देखे जाए, लेकिन साइज जो है वो हाथी का ज्यादा बड़ा है और शेर छोटा होता है। आईज, आंखें जारी बात है। अब अच्छा, एक बेचारा अगर हाथी है उसकी आंखें नहीं है तो वो क्या हाथी नहीं है? इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है ना। फिर आप देखें हेयर्स, फेशियल हेयर्स हैं या नहीं है। हो सकता है बेचारी कोई बिल्ली की ब्रीड ऐसी हो जिसके फेशियल हेयर नहीं है, लेकिन एट द एंड उसके फीचर्स तो मैटर कर रहे हैं ना। हो सकता है वो क्लीन शेव बिल्ली हो, समझ रहे हैं बात को? फिर चलते हैं आई कलर पे, ये तो मैटर ही नहीं करता। सांप की भी आंखें रेड कलर की हो सकती है, दूसरों की भी हो सकती हैं। फिर आ जाए कलर पे, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, यहां से आपको अंदाजा हो रहा है कि वेट किस चीज का ज्यादा होगा और किस चीज की वजह से प्रोबेबिलिटी ज्यादा मैटर करेगी। अब मैं वेट की बात बता दी, अब मेरी बात सुनिएगा, बात गौर से सुनिएगा। ये बंदा कह रहा है जी साइज, साइज एक फीचर है, ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी 0.75 है कि ये रेड कलर में जाएगा, ठीक है, और 0.25 की प्रोबेबिलिटी है ये जाएगा फॉर एग्जाम्पल नॉन रेड में। लो भाई, बाकी करते रहो बक बक। जो साइज का वेट है वो इतना ज्यादा हैवी है कि वो पूरी की पूरी, जब इनकी एवरेज लेके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे ना, वो इसकी तरफ लैंड हो रही होगी, वो खींच के अपनी तरफ करता जाएगा। वो स्टार्ट वाली एग्जाम्पल याद है डिस्ट्रीब्यूशन की, जब मैं आपको बता रहा था कि सारे 5 फुट के हैं, एक आलमचन्ना आ गया, उसने मीन उसका उठा के साइड पे कर देना। आप यही समझे कि जब आपका मीन आना है ना, तो समीशन जब होनी है तो उसकी वेट की बेस पे उस साइड पे ज्यादा मीन उसका जाना है, और प्रोबेबिलिटी इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। अब प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन आपके सामने है यहाँ पे, ठीक है, रेड की प्रोबेबिलिटी अलहदा कैलकुलेट होगी और नॉन रेड की अलहदा कैलकुलेट होगी, ठीक है, अगर देखा जाए तो। यहाँ पे आपके पास एक प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, फिर दूसरी आ जाएगी, दोनों में से जो सी प्रोबेबिलिटी आपके पास सेट होगी वो आपके पास, आप उसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे रख देंगे। और ये आपने हाथों से नहीं करना सारी इक्वेशन, क्योंकि जारी बात है इसमें भी बहुत ज्यादा चीजें जो है और भी एडिशन होती गई है, तो आपने सिर्फ फॉर्मूले के थ्रू करना है और आपको क्लासिफाई होके 0 या 1 की फॉर्म के अंदर सारी चीजें जो है वो आपको मिलेंगी, ठीक है। अब एक्टिवेशन फंक्शन क्या करेगा, आपके पास आगे प्रोबेबिलिटी, उसने उठा के उसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, 1 के अंदर या 0 के अंदर, समथिंग लाइक दैट। तो ये आपका एक्टिवेशन फंक्शन, या सिग्मो, एक्टिवेशन ही मैं इसको कहूंगा, सिग्मोइड फंक्शन बोलता हूं अभी के लिए, सिग्मोइड फंक्शन ये काम करता है। सिग्मोइड फंक्शन कैसे याद रहेगा, एस से स्टार्ट होता है, लॉजिस्टिक में भी एस आता है, तो एस एस उस तरीके से सिग्मोइड फंक्शन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है आपके पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम में आ जाएगी। यहां तक अगर आपको समझ नहीं आई तो प्लीज आप चैट में बता सकते हैं, साथ साथ मैं कृषि की टैबलेट खा लूं गले को सुकून देने के लिए, लगती हाजमोला की तरह है, बंदा समझता है इसका पेट खराब है लेकिन गला खराब है। बाकी यकीन माने यहाँ पे अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने बैठे तो हम कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप चीजों को समझें और चेक करें कि अच्छा, मैंने आपको बताना था सच कि किस तरीके से मैं इक्वेशन याद रखता हूँ। बिलीव मी, मुझे ये रटी हुई इक्वेशन नहीं याद, पी इज इक्वल टू 1/(1+e) और उसके ऊपर -e, ये मुझे नहीं याद, ये मैं देख के पढ़ के आपको सुनाता हूँ। जो चीज मुझे याद है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी दो तीन चीजों पर डिपेंड करती है। पहली चीज है आपका ई की वैल्यू, वो जारी बात है वो कांस्टेंट है तो इसका मतलब वो चेंज ही नहीं होनी,
इस मैंने क्यों याद रखी हुई है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के इक्वेशन में एक ही वैल्यू आती है, ठीक है, कॉन्स्टेंट आता है एक्सपोनेंट। अब माइनस जी जो है उस पर डिपेंड करती है। फिर मैंने माइनस जी को खोला तो उसमें मुझे समझ आई, अच्छा जी इसके अंदर तो फिर वही चीज है, एक इंटरसेप्ट है, कॉफिशेंट है और उनके वेट्स और बाइसेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने फिर एट द एंड ये वाला अंदाजा लगाया कि रिलेशनशिप और डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे अमंग द वेरिएबल्स आपकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है और आपकी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का क्लासिफिकेशन फंक्शन मैटर करता है। और ये अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उन्हें बता सकता हूँ कि फलां इक्वेशन में माइनस जी के अंदर ये कॉन्स्टेंट्स और वेट्स जो है उन्हें कैलकुलेट किया जाता है, और ये आप नहीं करते। ठीक हो गया, ओके ठीक है। अब आगे चीज क्या है, आप माइनस जी की वैल्यू यहां पे लगा के प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अनिक भाई का क्वेश्चन था तो सिग्मॉइड फंक्शन किसे कहेंगे, ये सिग्मॉइड फंक्शन नहीं है। सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है, आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को कन्वर्ट करता है जीरो या वन के अंदर। ये बात अपने माइंड में बिठा ले, प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, एट द एंड सिग्मॉइड फंक्शन उसको कन्वर्ट करेगा। अब मैक्सिमम लाइकलीहुड की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी समझ आ गई आपको, कोई मसला तो नहीं यहाँ पे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी समझ आ गई है। इसको हम जो है वो पाइथन के अंदर भी अभी लगा के देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि मैक्सिमम लाइवलीहुड एस्टिमेशन क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बोर तो नहीं हो गए, 5 मिनट की यहाँ पे एक स्टे ले लें ब्रेक का। चलें जी यहाँ पे 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, एग्जैक्टली 5 मिनट के बाद। मैं तो यहीं पर, मैं नहीं कहीं जा रहा, आपको दे रहा हूँ ब्रेक। ये जी 5 मिनट का मैंने अलार्म लगा लिया, 5 मिनट के बाद मैंने माइक ओपन करके यहाँ पे बोलना स्टार्ट कर देंगे।
अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम बैक। अगर आप लोग आ चुके हैं तो प्लीज़ अपनी वीडियोस ऑन कर लें या मुझे चैट में बता दीजिएगा दैट यू आर बैक एज वेल। लो जनाब, आपको मैक्सिमम लाइकलीहुड बताने वाला हूँ और इनशाला अगर आज आपने मेरी ये बात को सुन लिया तो आप मैक्सिमम लाइकलीहुड नहीं भूलने वाले। बेशक आपके हेडफोनों में एक साइड से ग्रीन और एक साइड से ब्लू लाइट आ रही हो, ठीक है, मतलब एक बंदे की आ रही है, इस वजह से मैंने ये बोल दिया। भाई तैयार हैं जी मैक्सिमम लाइकलीहुड को समझने के लिए? चले, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि किस किस को पता है मैक्सिमम लाइकलीहुड क्या होती है? इंशाल्लाह अब आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। लाइकलीहुड का मतलब क्या है? कि ऐसा हो सकता है। मैक्सिमम लाइकलीहुड, कसमें ऐसा हो सकता है। समझ रहे बात को? मैं यहां पे ना आपको स्लैंग जुबान के अंदर इस वजह से बता रहा हूँ ये चीजें ताकि आपको याद हो। हम अक्सर औकात कहते हैं ना कि यार यकीन मानो, यही बात है। अगर वो नहीं मानो यार कसम ना यार यकीन मानो। जैसे गोरे कहते हैं आर यू श्योर, हम कहते हैं कसम है, ठीक है। अब उस पे चलते हैं। क्या है, आपके पास एक बॉक्स है, बहुत बड़ा बॉक्स है। मेरे पास यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ वरना मैं आपको दिखा देता। आपके पास एक बॉक्स है, आपने क्या किया है, आपको किसी ने बताया कि इसके अंदर ना, इस बॉक्स के अंदर रेड और ब्लू बॉल्स मैंने डाले हुए हैं, रेड बॉल्स और ब्लू बॉल्स इस बॉक्स के अंदर है। डब्बा अच्छा खासा बड़ा है, एक स्क्वायर मीटर का आप लगाते डाल दिए। अब आपको नहीं पता कि कितने रेड हैं और कितने ब्लू हैं, ये पहले तय है कि आपको नहीं पता और ना ही आपके कान में किसी ने बताया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उस डब्बे में से गेस करना है कि कितने रेड और कितने ब्लू हो सकते हैं, कितने रेड हो सकते हैं और कितने ब्लू हो सकते हैं। वो किस बेस पे करना है आपने? वो बेस ये है जनाबे वाला कि आप बॉल निकालेंगे, कलर को ऑब्जर्व करेंगे, दूसरा बॉल निकालेंगे, कलर को ऑब्जर्व करेंगे, तीसरा बॉल निकालेंगे, कलर को ऑब्जर्व करेंगे। इसी तरीके से आप 5 से 10 बॉल्स यानी कि एक सैंपल लेके उसको निकाल के उसके कलर को ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक हो गया। जैसे ही आपने कलर्स को ऑब्जर्व किया ना, तो आपने फॉर एग्जांपल पहले 5 बॉल निकाले, आपने बोला 3 रेड है 2 ब्लू है, तो इसकी बेस पे अगर टोटल मेरे पास 100 बॉल है इसके अंदर, उसमें से कितने रेड और कितने ब्लू होंगे, आप उसकी मैक्सिमम लाइकलीहुड वहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। उसकी एक इक्वेशन होती है भाई। अब वही चीज 10 पे आप कहेंगे यकीन मान यही है यार, ये देखो फिर से रिपीट हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, आपकी मैक्सिमम लाइकलीहुड इंक्रीज करती जाएगी, मतलब आपको अंदाजा होता जाएगा। इसमें होता क्या है कि आप टोटल क्वांटिटी की कुछ अमाउंट को टेस्ट करके उसकी बेस पे आप कैलकुलेट करने बैठते हैं, ठीक है, मैक्सिमम लाइकलीहुड कि इसकी बेस पे बताते हैं आपके यार अच्छा ये पॉसिबिलिटी है, यानी कि कसमे हो सकता है, अल्लाह दी कसमे हो सकता है, ठीक है, ठीक है। वो एक तो वो वड्डी छाड़ देंगे ना कि यकीन माना रिजक हाथ से होता है ना, और फिर और यकीन दिलवाना हो तो क्या होता है, मंजी पे बैठे नहीं कह रहे होते या छत के नीचे बैठे कह रहे होते हैं कि यकीन मान, ये देखो छत के नीचे बैठो। सारी बात है, आधी दुनिया जो है वो एक टाइम पे छत के नीचे बैठी होती है। सो द थिंग इज कि वो आपको यकीन दिलाने के स्लैंग्स हैं। अब अगली चीज करते हैं। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल माइंड में आई है क्रिकेटर्स के लिए अभी यहां पे अनीक भाई ने भी और बाकी लोगों ने भी यहां पे एग्जांपल दी कि बाबर 50 तो मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि वो 50 मारता रहा है, ठीक है। अगर बाबर अंडे पे आउट हो जाए तो ताड़ी मैक्सिमम लाइकलीहुड मिनिमम लाइकलीहुड हो गई, सही है। तो मैक्सिमम लाइकलीहुड का वही मकसद है कि आपने देखा है बाबर को 5-6 दफा, आप कह रहे हैं कि यार ये 50 मारेगा, लेकिन चांसेस फिर भी कम है।
आप अपने आपने जो उसके 5 मैच देखे उसमें बेचारे ने 50 मार दी, डजंट मीन कि वो 50 ही मारेगा, सही है? तो वो जमुरा काले करके आपने उसमें से निकाल दें, समझने बात, मतलब हिला के अच्छे तरीके से बॉल्स को मिक्स करके, ताकि आपके पास 22नेस कम से कम हो। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, जब तुम 10 बॉल कटो सारे दे सारे रेड निकल आने थे, फिर उसने कहना ना 100 दे 100 रेड ने, समझ रहे बात को? इसी तरीके से जब भी आप कोई डेटा की मैक्सिमम लाइकलीहुड चेक करते हैं अननोन वैल्यू की, आप कुछ नॉन वैल्यू की बेस पे करते हैं। और मशीन लर्निंग में क्यों इंपॉर्टेंट हो गई ये चीज, कोई बता सकता है क्यों इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग? क्योंकि जो आपके पास डेटा आता है वो सैंपल का डेटा ही होता है, वो याद है ना, डिस्क्रिप्टिव वर्सेस इन्फ्रेंशियल, याद रहेगी वो बात, वो पुरानी बातें, वो सेंसेस वर्सेस सैंपल। यही चीज मैक्सिमम लाइकलीहुड को एक यूनिकनेस देती है कि मशीन लर्निंग के अंदर बहुत ज्यादा एल्गोरिथम MLE यानी कि मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन के बेस पे काम करते हैं, ठीक है? अब आपका अगर मैक्सिमम लाइकलीहुड के साथ कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। यहां तक आपको समझ आ गई है ना, बाकी क्वेश्चन को देखते हैं। अब यकीन माने गोरों ने इतना मुश्किल किया हुआ है ना, कि जब मैं इसकी एग्जांपल ढूंढ रहा था ना तो मुझे को सही तरीके से समझ नहीं थी आ रही कि कौन सी एग्जांपल बतानी चाहिए। फिर मैंने सोचा मैक्सिमम लाइकलीहुड के बंदे यकीन दिलवाने के लिए कुछ भी करते हैं, उसकी मिसाल कैसे आई रिसेंट मेरे पाकिस्तानी विजिट के अंदर, हर बंदा झूठ पे झूठ बोल रहा है। मैं भी वहीं से आया हूँ, सारी बात है, हम भी यही काम करते थे, लेकिन बाहर आके थोड़ी बहुत अक्ल आ जाती यकीन माने, क्योंकि इतने चलता नहीं ना फ्रॉड, इतने चलेगा तो बंदा सीधा सलाखों के पीछे या कार, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा मुहतात रहना पड़ता है, वो भी नेचर बन जाती है। पाकिस्तान के अंदर यही काम है, वहां पे मशहूर है कि आप गेड़ा नहीं देते तो आप मार्केटिंग अच्छी नहीं करते, आप चक्कर नहीं देते किसी को, चक्कर में नहीं लेके आते तो आप, वो कहते हैं ना क्लेवर नहीं है, क्लेवर की एग्जाम्पल ये है। सो वहां से एग्जाम्पल माइंड में आपको मैंने बताई। अब मैक्सिमम लाइकलीहुड एक और चीज की बताते हैं, आप क्या करते हैं बेसिक डेटा की बेस पे बताते हैं कि कल को क्या हो सकता है। इसकी मिसाल मैं लॉजिक बिल्डिंग की देता हूँ, आपने वो एक मीम भी सुनी होगी कि लॉजिक क्या होता है जी, वो चौधरी को लॉजिक बता रहा होता है ना, याद है कि चौधरी साहब तुसी अमीर बंदे, वो कहता कैसे, तुम्हें कैसे पता मैं अमीर हूँ यार, वो कहता है कि यार तुहाडे को मज्जा ने, वो कहता हाँ है मेरे पास गाय है, मतलब भैंसे भी हैं, कहता आपके पास फिर जगह भी अच्छी होगी, कहता हाँ है, कहता इसका मतलब है आपके पास गाय ज्यादा है तो आप दूध भी बेचते होंगे, कहता बिल्कुल बेचते। और फिर वो ऐसे लॉजिक बनाता बनाता कहता है फिर आपके पास तो गाड़ियां भी होंगी, कहता है, फिर कहता आपकी जमीनें भी होंगी, आप चारा भी वहां पे, कहता है, कहता है। तो लॉजिक बना रहा होता है, वो मैक्सिमम लाइकलीहुड क्रिएट कर रहा होता है सैंपल पूछ पूछ के, एट द एंड वो फिर कह देते हैं हाँ जी आप अमीर हैं। वो चौधरी फिर आगे से ऐसी बातें आगे सुनाने लग जाते हैं, तो वो चौधरी ने एग्जाम्पल गलत दी थी, आप लोग जिन्होंने पहुंचना था वो पहुंच गए हैं, चौधरी अनपढ़ हो के लॉजिक फिर आगे सुनाता है। ये जो मिसाल है ना टोटल, ये आपको मैं शेयर करूंगा, फिर आप सुनेंगे तो मजा आएगा, और मैं यहाँ पे लेक्चर के दौरान ऐसी मिसाइल नहीं दे सकता अभी, क्योंकि वो मिसाल नहीं मिसाइल है, और बड़ा फिट किस्म का मिसाइल है, आपको समझ आ जाएगी। किसी के पास लिंक हो तो जो हंस रहे हैं वो प्लीज वो शेयर भी कर दीजिएगा, वरना मैं तो फिर ढूंढ के उसे कर ही दूंगा। तो वो असल में चौधरी पूछ रहा होता है कि लैवी तू 12 पढ़ के आए तो तू की सीख के आए, कहना मैं लॉजिक सीख के आए। तो वो लॉजिक से बात निकलती 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 चौधरी किसी को गाली दे देता है इस बेस पे। बाय द वे मैक्सिमम लाइकलीहुड बेस्ड ऑन द डेटा, आप ओरिजिनल डेटा की एस्टिमेशन करते हैं। अब वो क्या चीज है उसको समझते हैं जनाबे वाला मशीन लर्निंग की जुबान में, अगर आप थकनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। 5 मिनट ब्रेक ये मैंने यहाँ पे पहले लगाया हुआ था। नहीं जनाब, मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन यानी के कुछ की बेस पे सारे को एस्टिमेट करना, और ये हमेशा 100% करेक्ट होता ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि 100% करेक्ट हो जाए, अगर हो जाए तो क्या ही बात है, वो तो जारी बात है टॉप नॉच की एस्टिमेशन हो जाएगी। अब एस्टिमेट्स आपको मैंने याद है बताया था कि आप क्या करते थे, एक सैंपल लेते थे उसका मीन कैलकुलेट करके आप कहते थे कि ये पूरी पॉपुलेशन का मीन हो सकता है। वो याद है एक एग्जाम्पल मैंने बताई थी कि आपके घर में अगर सारे 5 5 फीट से नीचे हैं, आप ऐसे नहीं कह सकते कि पूरे पाकिस्तान में 5 फीट की हाइट है, ठीक है? सो वो यहाँ पे मैक्सिमम लाइकलीहुड आ गई। मशीन लर्निंग में क्या होता है, आपके पास होता है डेटा, ये होता है नॉन डेटा, राइट? अगर आपके पास नॉन डेटा है, आप मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन की बेस पे
मॉडल को जनरेट करके अननोन डेटा का एस्टिमेट नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं ना। तो मैक्सिमम लाइकलीहुड क्या करती है, आपके पास डेटा के जितने फीचर्स हैं ना, इसकी बेस पे आपको आइडिया देती है कि यार इसकी क्लास ये वाली हो सकती है, ठीक है, नहीं यार इसकी क्लास ये वाली हो सकती है, ये इसकी हो सकती है। तो मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन बहुत ज्यादा एल्गोरिथम में यूज होने वाली है। इसकी इक्वेशन भी हम देखेंगे और इसके ऊपर एक ब्लॉग जो है मैं आपको अभी भेज रहा हूँ, एंड यू हैव टू रीड दैट ब्लॉग, पढ़ लेंगे ना, कोई मसला तो नहीं है ना। मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन का मशीन लर्निंग में क्या रोल है, क्योंकि जारी बात है अब हमने साथ साथ पढ़ा भी करना है, काम तो करना ही है साथ साथ। और ये जी आपको मैंने ब्लॉक का लिंक मैंने सेंड कर दिया, ठीक हो गया जी। और सही,